जयपुर मुंबई ट्रेन में हुई फायरिंग की घटना के करीब 50 घंटे बाद आरपीएफ एएसआई टीका राम मीना का शव पश्चिम एक्सप्रेस ट्रेन से आज सुबह मुंबई से सवाई माधोपुर रेलवे स्टेशन पहुंचा, जहां पहले से ही सैकड़ों ग्रामीण रेलवे स्टेशन पर मौजूद थे। पुलिस एवं आरपीएफ व जीआरपी के अधिकारियों के साथ ही प्रशासनिक अधिकारी भी रेलवे स्टेशन पर मौजूद रहे। ट्रेन से शव उतारने के बाद रेलवे स्टेशन से एएसआई के पैतृक गांव श्यामपुरा तक शव यात्रा निकाली गई, जिसमें सैकड़ों ग्रामीण एवं स्थानीय जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। शव के गांव पहुंचने पर एएसआई टीकाराम मीणा के आवास पर अंतिम दर्शन के लिए उनका शव घर के आंगन में रखा गया। इस दौरान मृतक टीकाराम मीणा को शहीद का दर्जा दिलाने सहित अन्य मांगों को लेकर ग्रामीण अपनी मांगों पर अड़ गए और प्रशासन को मांगे पूरी नहीं होने तक शव का अंतिम संस्कार नहीं करने की चेतावनी दे डाली। ग्रामीणों की सूचना पर सवाई मधेपुरा एसडीएम कपिल शर्मा मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों के समझाइश की। इस दौरान अपनी मांगों को लेकर ग्रामीणों ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। आरपीएफ अधिकारियों एवं एसडीएम के आश्वासन के बाद ग्रामीण शव का अंतिम संस्कार करने के लिए राजी हो गए, जिसके बाद घर के नजदीक ही राजकीय सम्मान के साथ शव का अंतिम संस्कार किया गया। विनोद परिवार जो उन्होंने कहा कि इनको जो भी पैकेज होता है नियुक्ति वगैरह होता है उसको हमने समझाइश की कि जो भी शहीद का पैकेज और जो भी मुआवजा इनको दिया जा रहा है, इनकी तरफ से एक लिखित ज्ञापन ले लिया गया है और जो भी है बिल्कुल सरकार को भिजवा के वो पूरी नियमानुसार पूरी राशि दी जाएगी और शहीद के भी दृष्टि हुई आप जैसा देख रहे हैं।